हेलो फ्रेंड, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल किचन शिल्पी एंड क्रिएशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेथी का पराठा। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पराठे जो हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुए हैं। ठंडक का मौसम है तो ये पराठे काफ़ी हेल्दी और गर्म भी करेगा, तो इन पराठों को आप सेवन ज़रूर करें। तो यहाँ सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और गेहूं का आटा लगभग ये 1 कप है, 1 से 1.5 कप। तो यहाँ आटे को इस तरीके से हम लेके इसमें ये देखिए बारीक कटा हुआ मेथी है, तो मेथी को अच्छे से धुल के साफ़ कर लेंगे, उसके बाद बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे बॉयल या इसको थोड़ा सा गला नहीं रही हूँ, इसे हम कच्चा ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम सोया भी डालेंगे, सोया डालने से इसका जो पराठे का स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो एक बार इस तरीके से आप सोया मेथी दोनों का यूज करते हुए बनाइएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती इसे कट करके डाल देंगे और ये 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, अदरक का टुकड़ा है इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। और इस तरीके से पहले हम हाथों से अच्छे से मसल के इसे आटे के साथ मिक्स कर लेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है या नमी है, जो साग है हमारा, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा है, हल्दी पाउडर है और नमक है स्वादानुसार। तो नमक अभी ही यूज कर देंगे हम, कि नमक जो है, नमक डालने से जो हरी पत्तियाँ हैं वो अपना पानी छोड़ देंगी और वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा जो आटे का टेक्सचर है वो हो गया है। तो यहाँ हम पानी से इसे ना गूँथ के हम दूध से गूँथेंगे। तो दूध से गूँथने के बाद ये रहेगा कि काफ़ी हेल्दी हो जाएगा जो है हमारा पराठा, और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा। और जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो इस तरीके से दूध की क्वांटिटी भी उनके अंदर चली जाएगी। तो यहाँ हल्का सा हम पानी का लास्ट में यूज कर लेंगे, जो बस मुश्किल से आधा कप से भी कम, यानी कि 2-3 चम्मच का पानी मैंने यूज किया है। और आटा जो है वो अच्छे से गूँथ के रेडी हो गया है। आटा गूँथने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, जितना पतला या मोटा आपको पराठा या पूरी खाना है। तो यहाँ पूरी ना बना के हम पराठा बनाएंगे, क्योंकि पराठा बनाने से एक तो उसमें ऑयल भी कम लगेगा और वो काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा। और पूरी अगर बनाएंगे तो उसको तलना पड़ेगा, तलने में ज़्यादा तेल भी यूज हो जाएगा, तेल थोड़ा नुकसान भी करता है। तो यहाँ हम तेल की क्वांटिटी थोड़ी ही कम ही रखेंगे। पराठे में भी आप अपने क्वांटिटी के अनुसार इसमें तेल लगा सकते हैं, जितना कम या ज़्यादा आप खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से पराठे को हम अच्छे से बेल लेंगे रोटी की तरह। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे मोटा ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाएगा ये तो कड़ा हो जाएगा। यहाँ जबकि दूध से हम लोग गूँथे हैं आटे को, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। तो अब इसे हम, चलिए तवा मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। तो यहाँ तवा जो है वो अच्छे से गरम हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा हम सरसों का तेल इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहें तो घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हल्का सा मैंने सरसों का तेल लगा दिया है। तो इस तरीके से अब हम इसे धीमी या मीडियम आंच पे इसे अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल धीमा भी नहीं करना, अगर धीमा करेंगे आंच तो एकदम से वो कड़ा हो जाएगा। तो कड़ा, अगर कुछ लोग कड़ा भी खाना पसंद करते हैं, तो जो लोग कड़ा खाना पसंद करते हैं वो लोग आंच को बिल्कुल धीमे रखिएगा। तो इस तरीके से तेल को लगाते हुए अच्छे से पराठे को हम बढ़िया तैयार कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ देख सकते हैं आप, तवा थोड़ा सा मेरा थोड़ा गंदा लग रहा होगा, तो अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है सबकी, तो इसलिए तवा साफ़ नहीं हो पा रहा है उतना अच्छा से, हाथों हाथों में दर्द रहता है। तो इस पे मत जाइएगा कि गंदा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना बढ़िया जो है पराठा हमारा सिक के रेडी हो गया है। और इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा और इसी तरीके से सारे पराठे को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ सारे पराठे बनाने के बाद इसे आप गर्मा गर्म चटनी और अचार के साथ सर्व कीजिए, चाय के साथ। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में या डिनर में, जब आपका मन करे तभी आप इसे यूज कर सकते हैं।
आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।